जिस दिन मतदान होना है दिल्ली में, उस दिन मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दरअसल 8 फरवरी को मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। दिल्ली में 8 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को जो मेट्रो की टाइमिंग है वो सुबह 4 बजे कर दी गई है, यानी सुबह 4 बजे से आपको मेट्रो मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमाकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत, मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, सुबह 4 बजे से मेट्रो मिलना शुरू हो जाएगी। आप ये असल में जब भी चुनाव होते हैं दिल्ली में तो पोलिंग स्टाफ जो जाता है, पोलिंग स्टाफ पोलिंग स्टेशन जिनकी ड्यूटी लगती है, उस स्टाफ की सुविधा के लिए मेट्रो प्रशासन जल्दी ट्रेन चलाता रहता है। इसमें ऐसा कोई वो हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि सब पोलिंग स्टाफ ही जाएगा। जिन लोगों को मतदान, उनके मकसद सिर्फ यही है कि जैसे ही पहले मतदान शुरू हो तो जो काम काज पर जाने वाले लोग हैं वो जल्दी से जल्दी अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे, वोट डालें और अपने काम पर चले जाएं। लेकिन मेन मकसद इसका शाकिर ये है कि पोलिंग स्टाफ जो जिसकी ड्यूटी लगती, चाहे वो पुलिस पर्सनल है, चाहे वो पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पोलिंग स्टाफ है, उन सबको पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए ये सेवाएं मेट्रो प्रशासन देता रहा चुनाव के दौरान। लेकिन रमाकांत, इस बार तो एक दिन पहले ही बुला लिया गया तमाम कर्मचारियों को, तो इस बार ये सुविधा मतदाताओं के लिए है कर्मचारियों के लिए? मैंने जैसा कि आपको कहा कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन 4 बजे से ये सेवा शुरू हो जाएगी। इसका मकसद सिर्फ यही है, ना केवल पोलिंग प्रिसाइडिंग और पोलिंग स्टाफ, बल्कि जो इलेक्टोर जो वोटर्स हैं हमारे, जिन्हें काम पर सुबह जल्दी जाना है और जल्दी वोट डालना चाहते हैं, तो वो भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और पोलिंग स्टेशन पर जाकर, पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट पहले दे करके उसके बाद काम पर जा सकते हैं। हालांकि सरकार वोट डालने के लिए बाकायदा एक सरकारी अवकाश घोषित करती है जिससे कि किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई पब्लिक सेक्टर निजी क्षेत्र के निजी कारणों से वोट डालकर अपने काम पर जाना चाहता है तो इस सेवा का लाभ ले सकता है। शाकिर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।